महाकाल की नगरी उज्जैन में शर्मनाक घटना। एक लड़की जिसकी उम्र महज 12 साल, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई। और घटना होने के बाद जब पुलिस ने देखा कि उज्जैन के एक आश्रम के पास एक लड़की मिली, एक सीसीटीवी सामने आया और वो जो सीसीटीवी है वो शर्मनाक था, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला था। उस सीसीटीवी में एक लड़की उज्जैन की सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रही है, हाईवे पर चलते हुए दिखाई दे रही है, और वो लड़की एक मदद की गुहार कर रही है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस लड़की के लिए सोमवार की घटना बताई गई कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे मेडिकल के लिए भेजा गया और इस बात की पुष्टि हुई, तस्दीक हुई कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन कौन है आरोपी, कौन है गुनहगार? और पुलिस को आखिर अब सफलता मिल गई है, कामयाबी मिल गई है। उज्जैन पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 20 से 22 साल है। इसके पहले कल उज्जैन की पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार नहीं किया था, हिरासत में लिया था और उसके साथ पूछताछ की गई, क्योंकि उसके जो ब्लड के कुछ निशान थे उसके ऑटो में मिले थे, तो पुलिस ने उसके साथ पूछताछ की। लेकिन पूछताछ के बाद इस बात का पता चला कि इस ऑटो चालक का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रमुख आरोपी है अब उसको पुलिस ने उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया और उसकी उम्र 20 से 22 साल बताई गई है। और जो सबसे चौंकाने वाली घटना है कि जब उस प्रमुख आरोपी को घटना स्थल पर तस्दीक कराने के लिए पुलिस पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की तो साथ में जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उसे रोका और उसके भागने की जो उसके प्रयास है उसको नाकाम किया। इस पूरी घटनाक्रम में भागने के आरोपी के इस घटनाक्रम में आरोपी को भी चोट आई, साथ ही साथ दो पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। तो अब आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भेजा है, उसका उपचार, उसका इलाज किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों को भी इलाज के लिए भेजा गया। लेकिन उज्जैन की इस घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। सोमवार को घटना हुई, उसके बाद सोमवार से लेकर लगातार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार लगातार पुलिस लगातार इस काम में लगी रही कि आखिर महाकाल की नगरी में उज्जैन में हुई इस शर्मनाक घटना के गुनहगार को कितने जल्दी पकड़ा जाए। और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली है और जो प्रमुख आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक आरोपी है जिसकी उम्र 20 से 22 साल है। पुलिस इसको लेकर विस्तृत ब्यौरा दे रही है, साथ ही साथ पुलिस उसको पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। पुलिस रिमांड में लेकर उसे आगे पूछताछ की जाएगी और जो सज़ा जो होती है, क्योंकि जो केस दर्ज हुआ है वो 376 के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ जो पॉक्सो एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसमें भी इसका जो केस है वो दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक आरोपी है या इसके अलावा भी आरोपी है। लेकिन फिलहाल उज्जैन पुलिस की बड़ी कामयाबी है, प्रमुख आरोपी को 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले प्रमुख आरोपी को, शर्मनाक घटना के प्रमुख आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।